पीटीआई की टिकट पे मुंतखब उम्मीदवार पी एस 100 पे कामयाब एमपीए करीम गबोल ने आज रात पी एस 100 के सैकड़ों कारकुनान और इलाके मेजनों का शुक्रिया अदा करने के लिए सोराब गोद के इलाके जुनेजो कॉलोनी में पहुंच गए। जुनेजो कॉलोनी के सैकड़ों कारकुनों ने और खान के टाइगरों ने पी एस 100 पे कामयाब एमपीए करीम गबोल का शानदार इस्तकबाल किया और इलाके के मुजीन ने करीम गबोल को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। बाद में कारकुनों से बातचीत भी की। एमपीए का काम, एमपीए की जिम्मेदारी, एमपीए को जिताना, एमएलए को जितवाना, ये आप लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत करके जो यहाँ हमें जितवाया, पोलिंग स्टेशनों में लाइनें बांध के कतारों में खड़े होकर आप लोगों ने मेहनत की, वो शायद हम लोगों ने भी मेहनत नहीं की जो आपकी मेहनत है। और इंशाल्लाह ये आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। जिसके बाद करीम गबोल ने अपने खिताब में कहा कि मैं तमाम इलाकों के लोगों का और उन दोस्तों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। ये इज्जत मेरी नहीं है, ये आप लोगों की इज्जत है और आज मैं जो भी कुछ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। और उनका शुक्रगुजार हूँ। पीटीआई ने चारों सूबों में अक्सरियत से जीती है और कराची से भी कामयाबी हासिल की है। हम इमरान खान के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ किए वादे इंशाल्लाह अब पूरे होंगे। मजीद करीम गबोल ने कहा कि इस इलाके में पानी, स्कूल और सेहत का बड़ा मसला है जो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जिन पहले मुंतखब नुमाइंदों ने इस इलाके को कचरे का ढेर बना दिया था और नज़रअंदाज किया था, आज उस अवाम ने इन लोगों को भी ढेर में दफन करके नई सोच और नया पाकिस्तान बनाने में मदद की है। आखिर में उन्होंने तमाम वोटरों, मोजीन और इलाके वासियों का शुक्रिया अदा भी किया। जिसके बाद खान के मौजूद टाइगरों ने विन न्यूज से खसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हमें खान साहब से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इलाके और पूरे पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे और करप्शन को ख़त्म करके मुल्क को रोशन बनाएंगे। आखिर में खान के टाइगरों ने विन न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया और पश्तों के गानों पर रिवायती डांस भी किया। सागर पवार, विन न्यूज़, कराची।